हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये छेना के मिनी रसगुल्ले बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, आज मंगलवार है, इसलिए मैंने ये छेना के मिनी रसगुल्ले बनाए हैं, क्योंकि मेरे यहाँ हनुमान जी का भोग लगाया जाता है। फ्रेंड्स, हर मंगलवार को मैं प्रसाद घर पर ही तैयार करती हूँ, तो आज मैं इसकी विधि आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने छेना के मिनी रसगुल्ले बनाए हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए बनाते हैं फिर। ये देखिए, मैंने आधा लीटर दूध लिया है, गाय का दूध। तो आप चाहें अमूल का दूध भी ले सकते हैं, भैंस का दूध भी चलेगा, फुल क्रीम होना चाहिए। अब हमने एक बर्तन रखा गैस पर, और दूध को उबालने के लिए, दूध को उबालेंगे, फ्लेम को हाई रखना है हमको। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे, और आप घंटी को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन भी मिले। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, दूध में उबाल आने लगा है, अब हमको गैस बंद कर देना है। ये लीजिए, मैंने गैस बंद कर दिया है। अब हम इस भगोनी को गैस से नीचे उतार के रख लेते हैं। अब इसको 2 मिनट तक इसका टेम्परेचर लो होने देंगे थोड़ा सा। अब हमने देखिए, ये नींबू काट के इसका रस निकाल के रखा है। अब जितना नींबू का रस है, उससे डबल हमको इसमें पानी डालना है। देखिए, जितना नींबू का रस है फ्रेंड्स, उससे डबल ही आप पानी डालिएगा। उससे आपका ये फाड़ने के लिए एसिड तैयार हो जाएगा। अब हम 2 मिनट हो गए हैं। अब देखिए, हम दूध में ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते जाएंगे चमची से, एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते जाएंगे। ये देखिए, दूध हमारा फटने लगा है। जब तक ये पूरी तरीके से नहीं फट जाता है, तब तक हमको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चलाना है ऐसे ही। देखिए, फटने लगा है काफी हद तक। ये देखिए, दूध भी फट गया है। अब हम इसको छान लेते हैं। छलनी पर एक कपड़ा मैंने डाल के, कपड़े को डाल करके इसको छान लेना है हमको। इसका पानी अलग कर देते हैं। ये छेना हम निकालेंगे इसमें। अब ये गर्म है तो बड़ी ही सावधानी से करना है फ्रेंड्स, गर्म है ना, इसलिए। तो इसका पानी हम अलग करके, अब हम इसको ठंडे पानी से भी वॉश करेंगे, जो इसका खट्टापन है वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है। मैंने इसको 2-3 बार ठंडे पानी से धोया था। देखिए, अभी ये बहुत ही बिखर रहा है, तो जब हम इसको मसलेंगे तो ये बिखरेगा नहीं, बिखरना नहीं चाहिए। तो देखिए, मैंने अभी हथेली आपको दिखाई थी, उसी हथेलियों से हमको ये मसलना है, ये छेना सॉफ्ट करना है। ऐसे इसको मसलेंगे, कम से कम 10 मिनट तक मसलना है। तो अभी हम इसको 5 मिनट तक मसल लेते हैं। ये देखिए, 5 मिनट हो गए, हमने देखी ये मसल के कितना सॉफ्ट हो गया है फ्रेंड्स। फिर भी ये पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुआ है, तो हम बीच में रोक के इसको थोड़ी देर मसल के फिर इसमें मैदा डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब मैदा डाल लेते हैं। अब इसको फिर से हम इसमें मिक्स करके और हथेलियों से मस लेंगे, जिससे इसमें जो रोली सी बनी होती हैं वो बारीक हो जाएंगी। ये देखिए, हाथ मेरे मॉइस्चराइजिंग हो गए हैं। इसका छेना का पहचानने का यही एक तरीका है कि ये रसगुल्ले बनाने के लिए तैयार है। ये अगर मसलते मसलते हाथों में इसका घी लगने लगे, दूध में जो घी निकलता है वो लगने लगे, तो आप समझ जाइए कि ये बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने इसमें देखिए कलर मिलाया है, आप चाहें तो कलर ना मिलाएं, मैंने इसमें येलो कलर डाला था। अब हम चाशनी बना लेते हैं। इसकी ये सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, मेरी पर्सनली है। मैंने 1 कटोरी चीनी डाली थी और 1 कटोरी ही पानी डाला था इसमें।
बल्कि एक कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ही पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें इसमें चीनी घुलने का इंतज़ार करना है। तब तक चीनी घुल रही है हमारी, तब तक हम इसकी बॉल्स बना लेते हैं छोटी छोटी। मैंने चाशनी का फ्लेम लो कर दिया है जिससे कि चीनी थोड़ी स्लोली घुले, तब तक हमें बॉल्स बनाने का मौका भी मिल जाएगा। ये देखिए बॉल्स बना लेते हैं। पहले हमने इसके टुकड़े कर करके रखे पीस, फिर हम बॉल्स बना लेते हैं। देखिए बॉल्स बन, देखिए ये मैंने बॉल बनाई है, इसमें एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अब ये देखिए चीनी हमारी घुल गई है फ्रेंड्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, चाशनी बनने का इंतजार नहीं करेंगे। आधा चम्मच हमको अरा रूट पाउडर लेना है और उसमें 2 चम्मच पानी मिला के उसका घोल बना लेना है। वही घोल हम इसमें मिला देंगे चाशनी में। ये मेरा सीक्रेट एक्सपीरियंस है, आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। देखिए अब आपको चाशनी बनाने का इंतज़ार भी नहीं करना है, चाशनी बनने का आपकी चाशनी एकदम से तैयार है, गाढ़ी भी हो गई है। मैंने जो वो घोल डाल दिया था इसलिए अब हम इसमें ये बॉल्स डाल सकते हैं। तो आप उतनी ही चीनी में और ज़्यादा पानी डाल के आपकी चाशनी भी तैयार है और आपके रसगुल्ले पकने के लिए भी रेडी हैं। तो इसमें देखिए मैंने एक एक करके डाल दिए। देखिए अभी आप गौर करिए इसमें कितना स्पेस था। अब हमें ये 20 मिनट तक पकाना है तो बीच बीच में खोल के देखना पड़ेगा। देखिए हमने खोल के इनको स्लोली स्लोली हमको बड़े ही सावधानी से इनको पलट देना है। इसमें जरा सा हमको चम्मच टच करना है, वो अपने आप ही पलट जाते हैं। ये देखिए बस आपको ध्यान रखना है इसमें, बस कोई चम्मच से फटना नहीं चाहिए ये रसगुल्ला। देखिए 20 मिनट हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहा है इसमें। आप और हमारे रसगुल्ले पहले से देखिए डबल हो गए हैं। हमने गैस को बंद कर दिया है, ये रसगुल्ले देखिए हमारे पक गए हैं अंदर तक। पहले इसमें कितना स्पेस था, अब इसमें स्पेस भी नहीं रहा। हम ठंडा करेंगे इसको। ठंडा होने के बाद में अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए आराम से, ये देखिए बने हैं बढ़िया। तो आप भी घर पर जरूर ट्राई करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए।